बात विचित्र किंतु सत्य की। छत्तीसगढ़ से बेहद ही हैरत में डाल देने वाले दो नए मामले सामने आए। यहां पर एक 27 साल के युवक के पेट में गर्भाशय मिला, तो वहीं एक महिला के शरीर में एक दो नहीं तीन किडनी पाई गई। डॉक्टर भी इन्हें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस मान रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। युवक के पेट में निकला गर्भाशय, महिला के शरीर में तीन किडनी। बेहद ही चौंकाने वाले ये दोनों मामले छत्तीसगढ़ से आए हैं, जिन्हें सुनकर कानों को यकीन नहीं होता। ऐसे केस बेहद ही दुर्लभ होते हैं, जो अक्सर सुनने में भी नहीं आते, लेकिन छत्तीसगढ़ से ये दोनों अजीबोगरीब मामले डॉक्टरों के पास आए हैं, वो भी जानकर हैरान हो गए। मेडिकल फील्ड में लगातार तरक्की हो रही है, रोज नई नई रिसर्च सामने आती हैं, इलाज के नए तरीके ईजाद होते हैं। वहीं दोनों केसों को डॉक्टर भी रेयर केस मान रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं धमतरी वाले केस की। यहां 27 साल के एक युवक के पेट में गर्भाशय मिला है। मेडिकल टर्म में यूं कहें कि यूट्रस यानी गर्भाशय महिलाओं के शरीर में होता है, जो महिलाओं के शरीर का एक अहम हिस्सा है। गर्भ को सुरक्षित रखने का काम भी गर्भाशय का ही होता है। लेकिन धमतरी के नर्सिंग होम में जब युवक पहुंचा, तो डॉक्टरों ने उसकी शारीरिक जांच की। एक्सरे और सोनोग्राफी के बाद तो डॉक्टर दंग रह गए। डॉक्टरों की जांच में सामने आया कि युवक के पेट में गर्भाशय है। जब डॉक्टरों ने युवक और उसके घर वालों को बताया तो वो भी हैरत में पड़ गए। डॉक्टरों ने युवक का ऑपरेशन करने का फैसला लिया। बाद में डॉक्टरों ने युवक का ऑपरेशन करके गर्भाशय को बाहर निकाला। युवक कांकेर का रहने वाला है। उसे लंबे समय से पेट में तेज दर्द की शिकायत रहती थी। उसने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन समस्या क्या है इसका पता नहीं चल पाया। ऑपरेशन के बाद युवक पूरी तरह स्वस्थ बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया में इस तरह का पहला मामला सामने आया है। दुनिया में इस तरह के 300 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें पुरुषों में गर्भाशय मिला है। जो दाहिने तरफ की अंडकोश की गोली थी, उसे हमने दाहिने अंडकोश में प्रस्थापित किया और बाएं तरफ की गोली को निकालकर हर्निया का ऑपरेशन किया। क्योंकि यह मामला काफ़ी दुर्लभ था, इसके बारे में हमने और इसमें जानकारी ली तो हमें यह पता चला कि अभी तक पूरे विश्व में अभी तक इसके 300 के आसपास मामले रिपोर्टेड हैं। छत्तीसगढ़ का संभवतः यह पहला रिपोर्टिंग का मामला दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आया है और धमतरी से लेके पूरे बस्तर संभाग का ये पूरी तरीके से प्रथम केस है। वहीं छत्तीसगढ़ के ही भिलाई में भी हैरत पर डालने वाला मामला सामने आया है। अमूमन शरीर में दो किडनी पाई जाती हैं, लेकिन यहां महिला के शरीर में तीन किडनी थी। डॉक्टर भी इसे रेयरस्ट ऑफ द रेयर केस बता रहे हैं। भिलाई के हॉस्पिटल में जांच के दौरान महिला के शरीर में तीन किडनी पाई गई। महिला के शरीर में इन्फेक्शन और तेज दर्द था। सोनोग्राफी की तो उसकी किडनी का साइज नॉर्मल नहीं लग रहा था। सिटी स्कैन में पाया गया कि महिला के लेफ्ट साइड में दो किडनी और राइट साइड में एक किडनी थी। इसमें दो किडनी ट्यूब और ब्लैडर में आकर मिल रही थी, एक ट्यूब ब्लॉक थी। उसी किडनी की वजह से महिला के शरीर में इन्फेक्शन हो रहा था। स्टेंट डाला गया और 3-4 दिन बाद पूरी तरह स्वस्थ होने पर महिला को डिस्चार्ज कर दिया गया। दुनिया में ऐसे केस भी पहले आ चुके हैं। अब तक 100 ऐसे मामले देखे गए हैं। मेडिकल भाषा में इसे सुपर न्यूमेरी किडनी कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पाकिस्तान के कराची में आतंकवादी संगठन लश्करे तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के करीबी इमाम की हत्या कर दी गई। इसके बाद जेल में बंद लश्कर चीफ की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। कैसर फारूख नाम के जिस इमाम की हत्या की गई है, वो लश्करे तैयबा में ट्रेनिंग का काम करता था और इस हत्या के बाद हाफिज सईद को हत्या का डर सताने लगा है। खौफ में मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद को हत्या का डर। पाकिस्तान की जेल में बंद 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद खौफ के साए में जी रहा है। इसकी कई वजहें हैं,
लेकिन फिलहाल इसकी सबसे बड़ी वजह है लश्करे तैयबा के चीफ हाफिज के करीबी इमाम की कराची में सरेआम हत्या। कराची में पोर्ट कासिम के जामिया मस्जिद का इमाम था मुफ्ती कैसर फारूक, जो एक मस्जिद का दौरा करके वापस लौट रहा था। तभी दो मोटरसाइकिल सवारों ने उस पर फायरिंग की। जब फायरिंग की गई तब फारूक कई छात्रों के बीच में खड़ा था, लेकिन उसे निशाना लगाकर मारा गया था। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उससे पता चला है कि निशाने पर फारूक ही था, जिसे वहीं धराशायी कर दिया गया था। हाफिज सईद का बेहद खास आतंक का टीचर कराची की सड़कों पर मारा गया। इस हत्याकांड ने पाकिस्तान में सनसनी फैला दी है। हाफिज सईद की सुरक्षा में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। जेल में बंद हाफिज सईद की सुरक्षा में कई गुना इजाफा कर दिया गया है। सूत्र बताते हैं कि हाफिज सईद पर जानलेवा हमला हो सकता है, इसलिए उसके सेल के बाहर 24 घंटे कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हाफिज सईद के डरने की वजह है, वजह यह है कि जब से वो जेल गया है लश्करे तैयबा में वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। यही वजह है कि हाफिज सईद के करीबियों को एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आतंकी ट्रेनिंग देने वाले कराची के जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती कैसर फारूक को कराची में शार्प शूटर्स ने अपना निशाना बनाया और मौत के घाट उतार दिया। हाफिज सईद इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि इससे पहले भी उसे मारने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन इस बार जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के सबसे बड़े ठिकानों में से एक कराची में आतंकी ट्रेनिंग देने वाले हाफिज सईद की करीबी को मारा गया, उससे हाफिज सईद खौफ से कांप रहा है। सुखदुल सिंह सुखा वो आतंकी जो कनाडा से ऑपरेट करता था, वो आतंकी जो खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला का राइट हैंड था, उसकी हत्या के पहले एक ऑडियो न्यूज 18 को मिला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह सुखा की आवाज का एक लौता नमूना है जो सुरक्षा एजेंसियों के पास है। इस ऑडियो में जिस तरह से सुखा बोल रहा है उससे लग रहा है कि वो नशे में। सुखदुल सिंह सुखा ड्रग्स की गिरफ्त में आ चुका था, वो हमेशा नशे में रहता था। सुखा के पीछे सुरक्षा एजेंसियां लगी थी और इसी दौरान उसकी हत्या के करीब 2 महीने पहले सुखा की आवाज सुरक्षा एजेंसियों ने इंटरसेप्ट की। जो ऑडियो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो 8 मिनट के ऑडियो क्लिप का वो हिस्सा है जिसमें सुखा नशे की हालत में बात कर रहा है, और इस ऑडियो से ये जाहिर होता है कि सुखा कनाडा में बैठकर भारत में अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था। चक्कर ये है भाई जी, मैनू तेरे विश्वास है ना, तू नहीं कराया तो बस सो क्या डन आ, जे मैनू विश्वास है तो साधु उन्होंने विश्वास आ। जरा साधु की मासी का मुंडा ना, ये भाई भालदा सी पिस्तल अपने तो, आपा नहीं दिता साधु उन्होंने, मैंने कहा लारा लाई रखी देई ना इनू, समझे वो करके अपन ये गल माड़ी मोटी सुननी पैंती है। होर जे कोई चक्कर होंगे ना तेरे बारे गलबात होंगी तो मेरे को गल आ जानी सी, ओके साधु उन्होंने मेरे को करनी सी, होर कि कर दौ, ये सारा पता वा भाई वो पुलिस वाले से दो जने जिहड़े आए सी दिल्ली वाले, ठीक है स्पैशल सैल दे सी ओह पुलिस वाले दो, ओह भाई जी उन्हूं ओह कहिंदे सी चाहे तेरा एनकाउंटर कर दांगे चाहे तेरे ते भाई जी मर्डर दा परचा पा के तेरी। इसी महीने कनाडा के विनीपैग शहर में सुखा की हत्या उसके घर में कर दी गई थी। उसके सिर में 9 गोलियां मारी गई और इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली, जिसके बाद से खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर गोल्डी बराड को अपनी हत्या का डर सता रहा है और उसने अमेरिका के कैलिफोर्निया में खुद को सुरक्षित रखने के लिए करीब 15 गुर्गों का एक घेरा तैयार किया है और वो उन्हीं के बीच रह रहा है। और इसी के साथ आज खबर असरदार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जारी।